हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विजय। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सनीज कंस्ट्रक्शन में। दोस्तों, आज हमारे साथ है हमारे ग्रुप के कारपेंटर साहब मिस्टर बलजीत जी। और बलजीत जी, हम इस वीडियो में बताएंगे प्लाई के ऊपर सनमाइका कैसे चिपकाएं और सनमाइका चिपकाने का सही तरीका क्या होता है, जिससे सनमाइके में बबल ना आए और एयर ना रहे। तो चलिए दोस्तों, टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए चलते हैं बलजीत जी के पास। हेलो दोस्तों, मैं बलजीत सिंह, मैं आपको बता रहा हूँ सनमाइका अच्छे तरीके से और कैसे लगता है। और सबसे पहले ये प्लाई का पीस है 8x2 का। सनमाइका लगाने से पहले जो प्रक्रिया है, उससे पहले बोर्ड को ऐसे, जैसे जहाँ कोई चीज़ जमी है, कैसे कोई, जैसे सीमेंट का छींटा है या कोई चीज़ है, फेविकोल वगैरह का छींटा है या कोई और ऐसी चीज़ है, ऐसे हाथ फेर के देख ले कि वो स्मूथ है। तो कोई भी चीज़ आपको लग रही है गलत, तो वो पहले चोरसी के माध्यम से उसको हटा लें। उसके बाद में सेकंड पार्ट आता है सिनेमा रेग मार्का, जिसको सैंड पेपर बोलते हैं। फिर सैंड पेपर को इसके ऊपर ऐसे घिस लें, ऐसे घिसने, ऐसे घिसे, अच्छी तरह से घिसे। और जैसे कि ये डस्ट के दाग है, ये डस्ट वगैरह अच्छी तरह से निकल जाए। और जो इस पर कोई और भी कोई चीज़ है, वो भी हट जाए। ये लग गया जी रेगमार। रेगमार के बाद में आता है, फिर उसके बाद में आपने कॉटन का कपड़ा लेना है जी, उसको ऐसे झाड़ना है और जैसे ये फटका पड़ता है, इसमें से डस्ट, जो ब्रीक से ब्रीक डस्ट है, वो भी उड़ जाती है। इसको मारने के बाद आप हाथ मार के देख लो कि इस पर कोई और चीज़ तो नहीं है, तो हाथ को देखो, डस्ट तो नहीं लग रही। अब दोस्तों, ये हो गया साफ। इसका सेकंड पार्ट आ गया जी, इस पर फेविकोल लगाने का। फेविकोल लगाने का बढ़िया तरीका है जी कंघी। वैसे तो मार्केट में मिलती है, लेकिन ये हमने खुद बनाई है, हैंडमेड कंघी है जी ये। अगर ना मिले तो इसको प्रॉपरली ऐसे, इसका खास करके ध्यान किनारों पर रखा जाता है। दोस्तों, कंघी से हैवी को लगाने का ये फायदा है, इससे ना तो मात्रा कम होती है ना ज़्यादा। और सनमाइका लगाने में यही विधि है, हैवी कोल ना कम हो ना ज़्यादा। हेलो दोस्तों, अब लग गया ये फेविकोल अच्छे तरीके से, अच्छे तरीके से फेविकोल लग गया ही। इसके बाद में लगाएंगे हम इसके ऊपर सनमाइका। ये 0.7 की सनमाइका है, इस पर जो सिंगल साइड ग्लू लगेगा जी फेविकोल, जो मोटी होती है जी, उस पर लगता है डबल साइड। इसको पहले ऐसे बिठा लें, फिर ऐसे उठा ले, फिर किनारे बराबर देख ले चिपक रहे हैं, फिर इधर से हाथ मारते हुए जाए, ऐसे ऐसे हाथ मारते हुए जाए कि ताकि इसमें बबल और हवा ना बन पाए।
और ताकि फिर बाद में आप अपने किनारों को बराबर कर सके खींच के बाद में ये आ गया जी कपड़ा, हल्का गीला कपड़ा लें ताकि हाथ चलने में आसानी हो और इसकी बाद में मालिश की जाए। इसकी अच्छी तरह से मालिश करें 5 से 10 मिनट तक। जो एक्सपीरियंस फुल इंसान है वो तो 2-4 मिनट में कर देगा, जो बिना एक्सपीरियंस वाले हैं उनको 10 से 15 मिनट टाइम है। जैसे कि ये इधर बबल बन रहा था, मैंने इधर से उठाया और फिर इसको लगाने लग गए। सनमैके को पेस्ट करने के बाद जो हिस्सा फालतू बच जाता है उसको रेती के माध्यम से आप बराबर कर सकते हो। रेती को चलाने का भी तरीका है, प्रॉपर यहाँ से नहीं चलाना, यहाँ से चलाना है कि ताकि ये कॉर्नर हमारा सेफ बच जाए। ऐसे यहाँ से डालो ऐसे और फिर बड़े प्यार से और बाकी जो ये हिस्सा छूट गया था इसको ऐसे फिर इसको साफ कर देना है। उसके बाद में जी इसको फिर रेंज मार के स्मूथ कर देना है। फिर इसको जी सूखे कपड़े से ऐसे साफ कर देना है। फिर जी ये आ गई लेंथ वाली साइड, लेंथ वाली साइड को ऐसे कॉर्नर से लेना है। इसकी बढ़िया कॉर्नर बनाते हुए फिर हम आगे बढ़ेंगे ऐसे। फिर इस पे रेग मार लगाना है। रेती लगाने और रेगमार लगाने के बाद में ये देखो ये कन्नी आपकी पेस्ट हो गई है, बराबर प्रॉपर पेस्ट है, कहीं पे भी गैप नहीं नज़र आ रहा और ये अच्छी तरह से पेस्ट हो चुकी है। कि अब ये आपको नज़र आएगा कि ये बिल्कुल सही है। कई होता है, कई बार कोई मिस्त्री होते हैं जी वो मास्किंग टेप लगा देते हैं, लेकिन इन सनमाइकों पर मास्किंग टेप नहीं चलती। जो मोटे सनमाइके होते हैं कलरफुल उस पर मास्किंग टेप काम करती है, लेकिन ये पतले वाला है 0.7 वाला उस पर नहीं चलती। इसको अच्छी तरीके से पेस्ट करना पड़ता है। दोस्तों ये था सबसे बढ़िया और आसान तरीका। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। इससे आगे हम सेकंड पार्ट में आपको दिखाएंगे कि मोटी सनमाइका और कलरफुल सनमाइका कैसे लगती है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। Please subscribe to my channel and like the video. If you have any doubt, comment below.